अलीगढ़ की तहसील खैर कस्बा खैर इलाके में विशेष समुदाय की उत्पीड़न के कारण एक परिवार ने अपनी मकान और दुकान पर स्लोगन लिख दिया। ये स्लोगन जो लिखा हुआ है पढ़ भी रहे हैं अब, जैसा कि दिख भी रहा है आपको, ये मकान बिकाऊ है और अपनी दुकान पर लिखा है कि विशेष समुदाय के उत्पीड़न के कारण ये दुकान बंद हो रहा है, बंद हो रही है। दीवारों पर इस स्लोगन लिखा देख कस्बे में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार के युवक पर विशेष समुदाय के लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की थी। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर दो नामजद युवकों का हत्या के प्रयास में थाने से चालान कर दिया गया था, लेकिन मुकदमे में अन्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी न होने की वजह से परिवार ने पलायन का मन यहां से बना लिया है। तो अलीगढ़ की एक खबर है जहाँ पर विशेष समुदाय से परेशान एक परिवार इतना हो चुका है कि मकान पर भी लिख दिया कि बिकाऊ है, दुकान पर भी लिख दिया कि विशेष समुदाय की वजह से दुकान अब बिकाऊ है, यहाँ पर ये दुकान बंद है। ये 15/9/2021 की घटना है मेरे साथ, और मेरे साथ मारपीट की, मरण स्थिति में छोड़ के गए और बेहद वो हुआ, और अब भी मेरे को ये चीज़ की जा रही है हमारे परिवार के साथ, और हमारे साथ ये चीज़ की जा रही है, इस वजह से हमें मकान बेचना पड़ा। अमित कुमार, इस वजह से लिखा है कि आगे कोई ऐसी दुर्घटना होगी जो आज अब हमारे भाई के साथ में हुई है, और इसकी कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ कह के जाता है, कोई कुछ कह के जाता है, कोई सुनवाई नहीं, उसका काम धंधा बिल्कुल बंद है। इधर हम भी डरे हुए हैं कैसा ना कोई और वारदात हो जाए, इस वजह से क्या हमने ये लिखा है कि मुस्लिम उत्पीड़न की वजह से हम मकान को बेच कर जा रहे हैं। और चलिए इस पूरे मामले पर अलीगढ़ से हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ चुका है। निशांत, ये क्या है, मतलब क्या है इस इलाके में, क्या इसी तरह से वहाँ पर प्रशासन चल रहा है क्या कि किसी समुदाय विशेष के डर से किसी को घर ही छोड़ करके भागना पड़े, मारपीट की गई है बाकायदा इसके साथ? जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, लगातार अलीगढ़ में जो घर पलायन को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर आज खैर क्षेत्र में भी एक परिवार ने अपने घर के बाहर और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विशेष समुदाय के भय के डर से वो परिवार जो है वो पलायन करने को मजबूर है। इससे पहले भी जो विभिन्न थाना इलाकों में जो विशेष समुदाय के लोगों से परेशान होकर लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए थे, इसके बाद आज पूरे परिवार पलायन करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि ये परिवार जो है वो पिछले दिनों जो नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए वो परिवार वहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए गया था, उसके बाद ये हादसा कुछ विशेष समुदाय द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और मारपीट के बाद अगर जब पुलिस द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनकी जो तहरीर के आधार पर उनकी जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, तो उसके बाद पीड़ित परिजनों ने अपने घर के बाहर जो है मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिया। फिलहाल जो है पूरे मामले में पुलिस जो है लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है, अभी दो टीमें गठित कर दी गई हैं, और घर वालों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन खौफ के साये में रहने को मजबूर है। पीड़ित परिजनों का साफ तौर से कहना है कि अगर जो पुलिस जो है अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमें मजबूरन यहाँ से पलायन करना होगा, क्योंकि आए दिन जो है पीड़ित परिजनों के साथ विशेष समुदाय द्वारा जो उनके साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो लेकर जो जो परिवार पीड़ित जो परिवार है वो आज पलायन करने को मजबूर हो गया है। चलिए निशांत, शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत ही हैरानी होती है कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, और इस बीच में एक विशेष समुदाय की तरफ से डर कर एक पूरा का पूरा मकान बेचना चाहता है, वहाँ से पलायन करना चाह रहा है। इस पर एक्शन होना चाहिए।